हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ब्रेड से हम एक ऐसा डिश बनाएंगे जो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है एंड बनाने में ही बहुत इजी है। फर्स्ट हम 1 लीटर दूध लिया है। नेक्स्ट हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। कस्टर्ड पाउडर कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वेनिला, बटर स्कॉच, जो आपको पसंद है। थोड़ा ठंडा दूध मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे कस्टर्ड को। लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मिक्स हो गया अच्छे से। मिक्सचर को साइड में कर लेते हैं। दूध में शुगर डाल देते हैं अपने हिसाब से। मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल देना। दूध को स्टोव पे रख लेते हैं। अच्छा सा बॉयल होना चाहिए दूध। फ्रेंड्स, दूध बॉयल होने तक नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं। ब्रेड स्लाइस लिया है जो साइड्स में काट लिया है एंड ब्रेड मोस्टली मिल्क ब्रेड है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मिल्क ब्रेड में थोड़ा स्वीटनेस रहता है। एंड मैंने यहाँ पे 3 टाइप का जाम्स लिया है। आप एक ही जाम से भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे मैंगो, पाइनएप्पल और मिक्स जाम लिया है, मिक्स फ्रूट का। बच्चों को जो पसंद है वो एक ही जाम से भी स्वीट बनेगा। बहुत सारा वेरिएशंस कर सकते हैं इसमें। कस्टर्ड अलग यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स, जाम अलग यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। एक ही साइड अप्लाई करना है जाम्स को। 3 स्लाइसेस को 3 जाम अप्लाई कर लिया है। अभी जो लास्ट वाला स्लाइस है वो प्लेन ही रखेंगे। फ्रेंड्स, मिल्क ब्रेड ही लेना, दूसरा कोई ब्रेड अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही सेम 4 स्लाइसेस का 2 सेट हम लोग ने बना लिया है, साइड में रख लेते हैं। दूध को देखते हैं, बॉईल हो गया दूध। अभी हम कस्टर्ड का जो मिक्सचर बना है वो डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दूध में एक बार शक्कर भी देख लेना टेस्ट। कस्टर्ड डालने के बाद कभी कभी फीका होता है। कस्टर्ड डालने के बाद भी अच्छा उबाल आना चाहिए दूध में, 4 से 5 मिनट तक साइड में रख के ठंडा करके, चाहिए तो फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं कस्टर्ड को। अभी हम जो सेट तैयार किया है उस पर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना कस्टर्ड का जो दूध है वो बिल्कुल ही गर्म नहीं होना चाहिए, पूरा ठंडा दूध होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड जल्दी नरम पड़ जाएगा। थोड़ा कस्टर्ड साइड में रख लेते हैं, बाद में अगर यूज़ होगा तो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद हम लोगों ने फ्रिज में से निकाला है।
अभी एक सेट को हम चार पीसेस में काट सकते हैं, मतलब एक सेट में चार सर्व कर सकते हैं हम लोग। एट स्लाइसेस में आठ जन का डिश रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, गार्निश के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। देखिए फ्रेंड्स, डिश रेडी है, यम्मी एंड टेस्टी। फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।